अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोर्ट है? एमए नहीं मिलता इंडिया का कोर्ट, कमाना पड़ता है। क्या कहा गुरुजी ने उस बच्चे को? गुरुजी ने क्या सिखाया बच्चे को? क्या लड़ सकेगा बच्चा कुश्ती? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे एक बच्चा एक गुरु के पास जाता है उनसे कुश्ती सीखने, जो कहानी दंगल 2 में दिखाई जाएगी। आइए जानते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, कल सुबह सनराइज से पहले अखाड़े में पहुंच जाना। और हाँ, याद रखना, मुझसे सीखना आसान नहीं है, ये पहले ही बोल दे रहा हूँ। कुश्ती एक जानलेवा खेल है, इसका इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए ही करना। मैं जो सिखाऊं उस पर पूरा पूरा विश्वास रखना, और इस खेल का नशा भी चढ़ जाता है इंसान को, इसलिए सिर दिमाग भी ठंडा रखना, समझा? जी गुरुजी, समझ गया। आपकी हर बात का निष्ठा से पालन करूंगा, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मन की मुराद पूरी हो जाने के आंसू उस बच्चे की आंखों में छलक रहे। उसने खुशी से गुरु के पांव छूकर आशीष लिया। एक ही बच्चे को सिखाना गुरुजी ने शुरू किया। मैदान तैयार किया, मिट्टी में हाथ मारा, मुगडुल से धूल छटकाई, और इस एक हाथ के बच्चे को कैसे सिखाना है, यही सोचते सोचते गुरुजी की आंख लग गई। एक ही दांव गुरुजी ने उसे सिखाया, और रोज उसकी ही प्रैक्टिस बच्चे से करवाते रहे। 6 महीने तक हर रोज बस एक ही दांव। बच्चे को समझ नहीं आ रहा, आखिर गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। पूछने की हिम्मत नहीं थी, परंतु एक दिन बच्चे ने गुरुजी के जन्मदिन पर पांव दबाते हुए हौले से बात को छेड़ दिया। गुरुजी, 6 महीने हो गए, इस दांव की बारीकियां मैं अच्छे से समझ गया हूँ, और कुछ नए दांव पेच भी सिखाइए ना। गुरुजी वहां से उठ के चल दिए। इस बात से बच्चा परेशान हो गया कि उसने गुरुजी को नाराज कर दिया। फिर भी गुरुजी के बात पर भरोसा करके बच्चा सीखता रहा। फिर उसने कभी नहीं पूछा कि और कुछ सीखना है या नहीं। कुछ समय बाद पास के गाँव में कुश्ती की प्रतियोगिता आयोजित की गई। बड़े बड़े इनाम रखे गए थे विजेता के लिए। हर एक अखाड़े के अच्छे चुने हुए पहलवान प्रतियोगिता में भाग लेने आए। गुरुजी ने बच्चे को बुलाया, कल सुबह बैल जोत कर रखना गाड़ी में, पास के गांव जाना है, कल सुबह कुश्ती लड़नी है तुझे। कुश्ती शुरू हुई। पहली 2 कुश्ती के मुकाबले में इस बच्चे ने ऐसा क्या किया, जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और इंतजार करें अगली वीडियो का, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो।